हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीएनके अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल टैग जी। ऑन 1st अगस्त 2023 से इनवॉइस की लिमिट 10 करोड़ से कम होकर 5 करोड़ हो गई है। आप लोग कहेंगे ये तो हमें पता है, ये पुरानी बात हो गई है। हाँ भाई, हमें भी पता है, मगर जब से ये इनवॉइस की लिमिट कम होती जा रही है, वैसे वैसे छोटे व्यापारी इसके दायरे में आते जा रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारे कंफ्यूजन और प्रॉब्लम भी अराइज हो रहे हैं। जैसे कि इनवॉइस क्रिएट करने की टाइम लिमिट क्या है, इनवॉइस और ईवे बिल को क्या हमें साथ साथ बनाना कंपलसरी है, इफ देयर इज एनी एरर इन क्रिएटिंग इनवॉइस तो क्या हम उसे अमेंड कर सकते हैं, क्या हम इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं और कब तक एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। ऐसी कई क्वेरीज हैं जो आपको परेशान कर रही होंगी, तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी यूनिक प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे जो आपको मन ही मन परेशान कर रही होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन दैट इज कैन आई अमेंड माय ऑलरेडी जनरेटेड इनवॉइस, चाहे वो कंप्लीट अमेंडमेंट हो या फिर पार्शियल। तो मैं आपको बता दूं कि अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल, मगर आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना GSTR 1 फाइल करते समय उस पर्टिकुलर ई इनवॉइस को अमेंड कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो दिस चेंज विल बी विजिबल टू योर GST ऑफिसर और वो आपसे पूछ सकता है कि क्यों आपने ये चेंज किया। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन दैट इज क्या हम इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं, एंड द आंसर इज ऑफ कोर्स यू कैन कैंसिल योर इनवॉइस बट सम कंडीशंस आर अटैच्ड, दैट इज यू कैन कैंसिल योर इनवॉइस अप टू 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेटिंग योर इनवॉइस, मगर अगर आपने वो माल डिस्पैच कर दिया है और वो बिल या उससे जुड़ा ईवे बिल रास्ते में वेरीफाई हो गया है बाय द प्रॉपर GST ऑफिसर, तो उस बिल से रिलेटेड इनवॉइस को हम कैंसिल नहीं कर सकते। इसी में एक क्वेरी और आती है दैट क्या मैं पार्शियली इनवॉइस कैंसिल कर सकता हूँ। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि मैं ई इनवॉइस कैंसिल करने से रिलेटेड कोई डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक और कंफ्यूजन जो मन में आता है कि क्या ईवे बिल और इनवॉइस साथ में क्रिएट करना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि टिल नाउ देयर इज नो टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस एक्सेप्ट एंटिटीज हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग ₹100 करोड़। That is, time limit was imposed on entities having turnover exceeding 100 crore to issue invoices within 7 days. But this time limit is on hold for 3 months. मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ई वे बिल बनाना कंपलसरी है बिफोर डिस्पैच ऑफ गुड्स, सो इट इज नॉट कंपलसरी टू इशू ई वे बिल एंड ई इनवॉइस टुगेदर, मगर अगर आप चाहें तो आप ई इनवॉइस रियल टाइम बेसिस में बना सकते हैं और उसमें ट्रांसपोर्टर की डिटेल इंसर्ट करके ई वे बिल ऑटो जनरेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है दैट इज कि 5 करोड़ की लिमिट कब से देखनी है इन ऑर्डर टू सी कि मैं इनवॉइस क्रिएट करने की लिमिट में आता भी हूं कि नहीं। इन दिस केस अगर आपका टर्नओवर पिछले किसी भी साल में आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST 5 करोड़ से ऊपर था तो आपके ऊपर इनवॉइस की लायबिलिटी आ जाएगी। दैट इज आपको देखना है कि 1st जुलाई 2017 के बाद किसी भी साल में आपकी लिमिट 5 करोड़ से ऊपर तो नहीं गई है, और अगर गई है तो आप इनवॉइस की लिमिट में आ जाते हैं। इसी में एक क्वेरी और आती है दैट इज कि अगर मेरा टर्नओवर प्रेजेंट ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 5 करोड़ से ऊपर आ जाता है तो इनवॉइस क्रिएट करने की लायबिलिटी कब से अराइज होगी। दिस क्वेश्चन हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, दैट इज आपकी इनवॉइस क्रिएट करने की लायबिलिटी स्टार्ट होगी फ्रॉम बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फ्रॉम 1st अप्रैल 2024। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज द वर्ड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 डेटेड 21st मार्च 2020 सब्स्टिट्यूटेड विद एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें पिछले सालों का टर्नओवर देखना है ना कि प्रेजेंट ईयर का। एक कॉमन क्वेश्चन कि वेदर कैरिंग ई इनवॉइस प्रिंट आउट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज मैंडेटरी और नॉट, द आंसर इज नो, दैट इज इफ यू प्रोवाइड द QR कोड एम्बेडेड इन ई इनवॉइस और ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली फॉर वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर देन नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेदर इनवॉइस नंबर जनरेटेड बाय बिजनेस एंटिटी एंड आईआरएन नंबर इशूड बाय इनवॉइस आर सेम और नॉट. So the answer is no, as invoice number is assigned by the supplier during the course of his business, whereas IRN number is a unique number generated by GST portal governed by GST rules and hence cannot be the same. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज क्या हम ई इनवॉइस में नेगेटिव वैल्यूज भी शो कर सकते हैं दैट इज फॉर एग्जांपल अंडरलोडिंग पेनल्टी डिडक्शन डिस्काउंट एक्सेट्रा और अगर हाँ देन हाउ टू रिपोर्ट दीज वैल्यूज इन द ई इनवॉइस. तो मैं आपको बता दूं दैट सच वैल्यूज कैन बी शोन इन डिस्काउंट अमाउंट कॉलम फील्ड व्हाइल जनरेटिंग योर इनवॉइस. यानी कि जब आप अपना ई इनवॉइस बना रहे होंगे और अपने गुड्स की डिटेल डाल रहे होंगे वहां आपको एक डिस्काउंट का कॉलम मिलेगा. तो अगर आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालनी है तो आप उस कॉलम में डाल सकते हैं. एक और कंफ्यूजन जो अराइज होता है दैट इज वेदर ई इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स ऑल्सो. सो आंसर इज नो. यानी कि सप्लाई से रिलेटेड जो आप डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करेंगे सिर्फ उसी का ई इनवॉइस बनाना होगा और किसी का नहीं. क्या एक्सपोर्ट की तरह इंपोर्ट का भी ई इनवॉइस क्रिएट करना होगा? सो द आंसर इज नो. दैट इज ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट बिल्स बट ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. एक और क्वेश्चन, अगर आपके पैन पे एक से ज्यादा जीएसटी नंबर इशूड है तो क्या ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई बिटवीन देम? एंड द आंसर इज यस. क्योंकि अगर आपके पास एक से अधिक जीएसटी नंबर है under the same pen, then each GST number is treated as a distinct person and as a result, invoice is issued for any transfer between them. So, e-invoice is also required to be made. तो क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग इसका बेनिफिट ले सकें. और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.